चले तो शुरू करें। दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। शो नोटिफिकेशन, इसको मैं अलाउ कर सकती हूँ या ब्लॉक भी कर सकती हूँ मैम? यस मैम, ये जो नोटिफिकेशन है जूम के, वो मैं ब्लॉक कर सकती हूँ ना? हाँ जी। ओके, तो नित्या अभी मैंने आपको जो जो समझाया वो हम, मैंने इसके नोट्स आपको प्रॉपर बना के देने हैं, ठीक है? और अभी हम शुरू करते हैं 10.3 ना। 10.3 में मैंने बताया था आपको, अच्छा स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट बता दिया अभी आपको, अब हम थोड़ा सा प्रोजेक्शन पे जाएंगे, ठीक है ना? उसके केसेस भी बता दिए हैं मैंने आपको। स्केलर, हाँ डॉट प्रोडक्ट, एक सेकंड, केसेस बता दिए कि अगर ए डॉट बी, थोड़ा सा हम इसको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है? मैम मैं बोल रहा था कि वो थोड़ा सा होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं ना जो कल दिया था, वो एक वो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन मैम एक्चुअली नहीं हो पाया था, मुझसे नहीं आ रहा था मुझे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम था प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में? मैम वो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्या हुआ? वो ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड। हाँ, ब्लैक बैकग्राउंड, आप उससे कंफर्टेबल हो, ये ठीक है? हाँ मैम। और ग्रिड साइज, ग्रिड साइज थोड़ी लंबी कर दो ना, चेंज कर दो, राइट साइड, उस साइड राइट साइड खींचना है मैम, राइट साइड ही खींचना, इतना ठीक है ना? बस बस, हाँ मैम। ग्रीन कलर लेते हैं हम, ग्रीन कलर ले लें। हाँ मैम, मैम आपने दिया था पी ए इज इक्वल टू 0.4 है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया था मैंने ना? हाँ मैम। बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए वाला ना? हाँ मैम। इसका कितना आंसर है? नहीं आ रहा है मैम आंसर। इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है तो दूसरी कहां से जगह से निकालू मैम इस चीज का? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। एक सेकेंड, नहीं है ये कहां बोला गया है कि इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है? इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है ना मैम, मैंने देखा ना पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.2 आ रहा है व्हिच इज नॉट इक्वल टू पी ए इनटू पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आया? 0.2 आ रहा है। हाँ मैम, हाँ मैम। तो इसको फिर क्यों ऐसे, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या क्या ऐसे क्या है ना, पी बी डैश विद कंडीशन ए डिवाइडेड बाय पी ए। सुनो इसको हम सेटरी से थोड़ा सा बनाते हैं, ठीक है? देखो इसको मैं ना, ये ना एक्चुअली में एग्जांपलर का क्वेश्चन है, एग्जांपलर का भी सॉल्व किया है। हाँ मैम, हाँ। तो अगर मैं इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P, सॉरी इसको रफ कर, ये हो जाएगा P ऑफ A यूनियन B माइनस पी ए प्लस माइनस पी बी, यही होगा ना? नहीं 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 उल्टा लिखा, नहीं 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 उल्टा हो गया। यस 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 माइनस एक माइनस इधर प्लस प्लस होगा ना, हाँ प्लस पी ए प्लस पी बी। अब इसकी जो वैल्यू हम पुट करते हैं, पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है हमारी? 0.5 माइनस 0.5 प्लस 0.4 प्लस 0.3 0.4 प्लस 0.3 0.4 एक मिनट 0.4 है ना पी ऑफ ए? हाँ मैम। जीरो
0.4 है और ये 0.3 है, 7 तो ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, अब चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए और पी बी के इक्वल नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट, ए एंड बी आर नॉट नॉट इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट यानी डिपेंडेंट, यही होगा ना, डिपेंडेंट इवेंट यही है ना। हाँ मैम, अब हम थोड़ा सा सेट थ्योरी पे जाते हैं। ये जब नहीं हो तो हम इसको कर सकते हैं ना इस तरह, हाँ मैम, ये ए इवेंट है ये बी इवेंट है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पी ऑफ बी। ये मैंने एक बार आपको बताया था क्लास में, बी का जो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट है यानी कि बी को छोड़ के बाकी सारे, ठीक है, हाँ और हाँ इंटरसेक्शन ए, तो यानी कि क्या आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन बात क्या आएगी, तो ए पी ए माइनस पी ऑफ बी का इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट आएगा। हाँ अब देखो, अगर मैं पी ए में ए इंटरसेक्शन बी को हटा दूं तो इन दोनों का कॉमन पार्ट आ जाएगा ना, मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। हाँ हाँ समझ गया मैम, वो तो है अपना दिख रहा है मैम, हाँ, पी ए माइनस पी और ए पी इंटरसेक्शन भी ए कॉमन आएगा। हमारा 0.4 है, जब हमारा नहीं निकले ना पी अरे ठीक इंटरसेक्शन से, और ए इंटरसेक्शन बी हमारा 0.2 यानी आंसर आ जाएगा 0.2। है मैम, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा ना तो मैं ऐसे नहीं बन रहा होगा, डायग्राम बिल्कुल बना दूंगा। हाँ, डायग्राम बना लूंगा। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है मैम, एक और मेरा फोर्थ प्रोबेबिलिटी, हाँ फोर्थ हो बोलो, गया। हाँ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया मैम। हाँ एक और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लिख लो, इसको होमवर्क में बनाना। अच्छा मैंने जो इस होमवर्क में बनाना ये ना होमवर्क के लिए, ठीक है, ये भी तुम्हारा आया है एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। नहीं वो बताओ मत ना, मैं बाद में आंसर ढूंढ लूंगा, ये मेरे को आंसर ही नहीं मिल रहा था इसका कल। ओके ओके ठीक है ठीक है। देखो और जैसे वैल्यूज दी ना, एक वैल्यूज ही दो मैम, वैल्यूज दे रहे हो ना तो आंसर नहीं मिल रहा है मेरे को, खाली खाली वैल्यूज दे रहे हो ना तो। ऑप्शंस आपको दे दूं, ऑप्शंस हाँ ऑप्शंस दे दूं, ऑप्शंस दे दूं। हाँ हाँ ऑप्शंस भी दे दो मैम, चलेगा। ठीक है, इन अ फैमिली, इन अ फैमिली, देखो इस टाइप के अगर मैं कहीं से दे दूं आप लिख के फिर आंसर लिख लोगे वो मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा ढूंढ वही लेना मैम, मेरे इसीलिए को बोल चीजें रहा हूँ, और कल दिख जो जाएगी। क्वेश्चन दिया था ना उसका आंसर ही नहीं मिल रहा था मेरे को कहीं पे भी। एनसीईआरटी नहीं थोड़ा, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हाँ है। तो दो चार चीजें तुमने पलटी ना, दो चार चीजें ढूंढी ना कि भाई इसका क्या हो सकता है, चलो भाई इसको ट्राई करते हैं, थोड़ा सा चीज हाँ ढूंढी मैम, ना, दो चार चीजें हाँ और मैम, दिमाग में आ गई साथ में। इन अ हाँ मैम, फैमिली तुम्हारा कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ ईच चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू, ओ ये तो क्वेश्चन तुमको पता ही होगा फिर भी मैं आपको दे रही हूँ, ईच चाइल्ड इज इक्वली, अभी तुम मुझे बना के दिखाओगे, ये इक्वली लाइकली, ईच चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और गर्ल, टू बी अ बॉय और गर्ल, दोनों के इवेंट होने पर इक्वली लाइकली इवेंट है, इक्वली लाइकली क्या बताया था, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, दोनों के होने के इक्वल चांसेस होंगे, यही बताया था हाँ ना। मैम, हाँ मैम, हाँ अ फैमिली विथ थ्री चिल्ड्रन इज चूजन एट रैंडम, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूँ, थ्री चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चूजन एट रैंडम, एट रैंडम कोई भी तीन बच्चे उठाने हैं, ठीक है, तीन बच्चे को लेने हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट एल्डेस्ट चाइल्ड इज अ गर्ल गिवेन दैट, देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई, फाइंड प्रोबेबिलिटी एल्डेस्ट चाइल्ड इज गर्ल, गर्ल गिवन दैट फैमिली हैज एटलीस्ट वन गर्ल, गिवन दैट फैमिली
एटलीस्ट वन गर्ल। चलो मैंने बता दिया, आप करना शुरू करो। एटलीस्ट वन गर्ल, चलो फटाफट करो। एटलीस्ट वन गर्ल के सैंपल स्पेस फटाफट बता दो नित्या, सैंपल स्पेस क्या होंगे? हाँ क्या क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटेच इज अ गर्ल गिवन दैट हैज एटलीस्ट फैमिली हैज एटलीस्ट वन गर्ल। अच्छा, थ्री चिल्ड्रन है। तीन बच्चे हैं ओके, फैमिली में। मतलब बॉय और गर्ल के 1/2 1/2 चांसेस हैं, सॉरी 1/3 1/3 1/3 चांसेस हैं। इक्वली लाइकली इवेंट है, तो मुझे हाँ, इसके सैंपल स्पेस बता दो। Three children are chosen at random. Find the probability eldest children is a girl given that family at least has one has at least one girl. तो मतलब हो सकता है कि पहला eldest child girl है और बाकी दोनों boy हैं। हो सकता है पहला पहले eldest child girl है। सैंपल स्पेस बताइए बच्चे, सैंपल स्पेस बताइए। मैं अभी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ई और एफ इवेंट नहीं पूछे, मुझे तो सैंपल स्पेस बता दो, उसके बाद अब क्वेश्चन में करना। सैंपल स्पेस बताओ। सैंपल स्पेस, अच्छा इसका सैंपल स्पेस होगा बॉय या गर्ल? बताओ सैंपल स्पेस बनाओ, कैसे बनाओगे? बॉय 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 गर्ल गर्ल नहीं बॉय बॉय गर्ल बॉय यस, गर्ल गर्ल पहला क्या गर्ल होगा? गर्ल बॉय बॉय बॉय, तीनों बॉय बॉय हो बॉय गए। बॉय दूसरा क्या होगा, मान लो गर्ल 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 गर्ल। गर्ल, मतलब हाँ इसके 8 होंगे ना, 8 आउटकम्स होंगे ना इसके, एट एट सैंपल स्पेस होगा इसका। तो एक क्या हो गया, बॉय बॉय बॉय, गर्ल गर्ल गर्ल, एक हो गया बॉय। मैंने बताया था ना तीन हेड के जो बताए थे आपको, हाँ 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 समझा समझा समझा, वैसे ही इसके 8 8 8 सैंपल स्पेस बन जाएंगे। हाँ। एक होगा बॉय गर्ल गर्ल, एक होगा तुम्हारा गर्ल बॉय गर्ल, ठीक है। एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, गर्ल गर्ल बॉय, और क्या होगा, और होगा गर्ल बॉय बॉय। ये तो दोबारा नहीं लिख रही हूँ ना, देखते जाना, कोई चीज दोबारा तो नहीं लिख रही हाँ हूँ। हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ मैम। उसके बाद मैं लिख रही हूँ बॉय गर्ल बॉय, और हो गया बॉय बॉय गर्ल, ठीक है। ई हाँ मैम, बता दो। ई होगा मेरा एल्डेस्ट इवेंट चाइल्ड इज अ गर्ल, इवेंट एल्डेस्ट चाइल्ड इज अ गर्ल। एफ हो जाएगा मेरा एटलीस्ट वन इज गर्ल। एल्डेस्ट चाइल्ड इज अ गर्ल, एल्डेस्ट चाइल्ड। ये काम करना आप बनाना, ठीक है, थोड़ा सा खोजना मत, खुद से बनाना। हाँ मैम, मतलब एल्डेस्ट एल्डेस्ट चाइल्ड इज अ चाइल्ड इज अ गर्ल, गर्ल मतलब फर्स्ट, मतलब क्या कहते हैं, बेटा, पहला वाला जो है ना वो गर्ल होगा। तो देखो यहाँ पहला वाला गर्ल है, यहाँ पहले वाला गर्ल है, यहाँ पहले वाला गर्ल है, ये एल्डेस्ट है ना, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ये भी पहला वाला गर्ल ओके है बस, ठीक ओके, वही 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 मेरे को हो रहा था कि है ना, लास्ट वाला एल्डेस्ट होगा कि फर्स्ट वाला एल्डेस्ट होगा, वो मेरे को एक हो रहा था। है। नहीं, पहले, अच्छा बच्चे जब बड़े होते हैं तो पहला वाला बड़ा भाई छोटा होता है, या बड़ा भाई बड़ा होता है? जो पहले आता वो ओके बड़ा ओके होता ओके ओके ओके, हाँ हाँ मैम, हाँ मैम, ठीक है है। मैम। और द क्या, थ्री चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एल्डेस्ट चाइल्ड इज अ गर्ल मतलब गिवन दैट हमको पीई एटलीस्ट इंटरसेक्शन एफ निकालना है। वन गर्ल वाला बता दो मुझे, कौन कौन सा आएगा? एटलीस्ट वन गर्ल में होगा जी 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 बी जी 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 बी जी 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 बी 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 को छोड़ के बाकी सारे के सारे। यस यस, अब आपको समझ में आ गया। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था? पी इसका इंटरसेक्शन होगा बी पीई इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। PE by F, ये बताया था ना। मान लो P E by given condition of F जो था वो क्या था, पीई इंटरसेक्शन PE एफ बाय पी intersection एफ F by बाय पी PF। एफ। हाँ मैम, गुड। हाँ मैम, आज ना देखो, हम ना सैटरडे सैटरडे क्या करते हैं, सैटरडे क्लास छोड़ देते हैं। आप ना आज तो वेक्टर थोड़ा सा बहुत कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप ना प्रैक्टिस करो और सारी मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के सारे बना के दिखाओगे, तभी मैं क्लास लूंगा, क्योंकि मैं क्लास ले रही हूँ और आउटपुट में दर्द दिखना चाहिए, ठीक है। आप मुझे सारा सेंड करोगे तब मैं क्लास लूंगा, क्या? हेलो।
हेलो हेलो, आप पॉज हो गए बेटा। हेलो हेलो, हेलो हेलो। अरे हाँ बेटा, आपकी आवाज कहाँ चली गई थी? मैम वो है आप ना, पहुंच सेलुलर डेटा है ना, वो थोड़ा डेटा लिमिट पे पहुंच गया था, वो कंटिन्यू कर रहा था। गए? अच्छा ठीक है, तो मेरा क्या था कि मैं कल की क्लास तभी लूंगी जब आप मुझे प्रोबेबिलिटी के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना के दिखाओगे। कल नहीं मैम, कल तो कौन सी, क्या? कल कल थोड़ी ना क्लास लेने वाले मैम। हाँ तो ठीक है, तो कल कल आपका यही होमवर्क रहेगा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छा मुझे चाहिए, तभी मैं मंडे को क्लास लूंगी। ठीक हाँ मैम, है, सारे हाँ मैम, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चाहिए, और हाँ सारे मैम, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप बना के मुझे सेंड करोगे। हाँ और वो कब मैम, से होंगे? अभी 22 चल रहे हैं ना, तो तुम्हारे 21 से लेके पीछे 5 साल, वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके आगे बनाओ बात अलग है, लेकिन इसके पीछे के 5 साल के सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन चाहिए, वो भी सत्रह चाहिए। टू थाउजेंड सेवेंटीन से 2021 ना। यस, 17 से नहीं, 16 से होगा ना, क्योंकि ओके 2020, 2022 तो आप ही दे रहे हो। हाँ ठीक है चलो, हाँ ये प्रॉमिस रहा, फिर मैं नेक्स्ट मंडे वाली क्लास तभी लूंगी जब आपके पूरे कंप्लीट होंगे, वरना नहीं लूंगी। प्रोजेक्ट हाँ मैम, पे। अच्छा हाँ, और बताओ, और कौन सा डाउट है, जल्दी फटाफट बताओ। हाँ मैम, अभी 10.2 में ना मेरे को फोर्थ में कुछ डाउट नहीं आया, फिर सिक्स में मेरे को कुछ डाउट नहीं आया, एट्थ में मेरे को कुछ डाउट नहीं आया, नाइन्थ में भी कुछ नहीं आया, 13th में मेरे को खाली आंसर चेक करने हैं मैम। ने आंसर तो पीछे राउंड तो दिया ही है 10 पॉइंट्स का। अच्छा हाँ, नहीं पीछे दिए हो, एक सेकेंड मैम अभी चेक कर लेता हूँ, मेरे को क्यों डाउट हो रहा है थोड़ा सा। हाँ बोलो बोलो। मैं बताऊँ आंसर, कॉस अल्फा मेरा आया -1/3, हाँ कॉस बीटा आया मेरा -2/3, हाँ और कॉस गामा आया मेरा 2/3, तो सही है, इसका प्रॉब्लम। सही है। हाँ ठीक है, फिर 15th के सेकेंड में भी कोई कोई डाउट नहीं है मेरा, आर वेक्टर है -3i कैप +3k कैप। हाँ मैम मैं अभी 16th वाला कर रहा था और 17th वाला नहीं हुआ है मैम अभी तक मेरा। ठीक है, मतलब इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना आपको, जब मैं बनाऊं क्लास में? ठीक नहीं, डाउट डाउट नहीं है मैम, 16th और 17th मेरे को पता है मतलब कैसे करना है करके। हाँ है ठीक है, अब हम चले क्रॉस प्रोडक्ट पे। हाँ हाँ मैम, हाँ मैम, वो पहले वो प्रॉपर्टीज नहीं, पढ़नी पहले और फिर। प्रोजेक्शन पे जाते हैं, पहले प्रोजेक्शन पे, ओके ओके मैम, प्रोजेक्शन कर लेते हैं अभी। अभी हम प्रोजेक्शन कर लेते हैं, फिर हम प्रोजेक्शन से जाके, प्रोजेक्शन वैसा कुछ है नहीं, नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट है ये। ठीक है, ये क्या है, अब हम ओके कौन सा कलर लें, आप बताइए कौन सा कलर लें, ग्रीन कलर लें, कौन सा कलर लें, ब्लू। रेड रेड मैम, रेड रेड नहीं यूज किया था ना लास्ट टाइम। पेट अच्छा नहीं लगा लेकिन। व्हाइट यूज कर लो मैम, व्हाइट व्हाइट एक्चुअली ब्लैक पे अच्छा लगता है। सही में हाँ मैम, और ऐसा लगता है कि आप है ना वो पेपर को है ना उखाड़ रहे हैं करके, पेपर को काट ब्लैक कलर का पेपर और नीचे व्हाइट कलर का पेपर है, और ब्लैक कलर के पेपर पे आप है ना उसको उखाड़ उखाड़ के लिख रहे हैं करके। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, अब उसकी मैम, एप्लीकेशन क्या आ गई? अच्छा डॉट प्रोडक्ट जो मैंने आपको समझाया, उसमें कोई डाउट? नहीं मैम, मैम वो लास्ट वाली क्लास का मैं बनाया था लास्ट सेव वाली क्लास है करके। ना, एक्चुअली मैं, हाँ मैं बताना चाह रही थी, लास्ट वाली क्लास के समय मैंने जैसे ही आपका क्लास लिया, उसके 10 मिनट बाद ना मेरा नेटवर्क गोन हो गया, जिस कारण से मेरा अच्छा डेस्कटॉप बंद हो गया, और सारा ना मैंने सेव नहीं किया था, वो उड़ गया। नहीं, वो मैम हमेशा है ना यहाँ पे मैं देखता हूँ अपने आप सेव होता रहता है कहीं ना कहीं पे, ये नहीं नहीं सेव होता है, क्योंकि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स है ना, डॉक्यूमेंट्स वो शो डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप के सेव बाजू में। करना था, नहीं, एक्चुअली मैं, अगर मेरा ये ना लैपटॉप में नहीं प्रॉब्लम था, ये डेस्कटॉप में प्रॉब्लम है एक्चुअली, मैं इसको हमने किसी से ठीक करवाया था, उसने अपना ईमेल आईडी डाला, तो जब भी मुझे स्टार्ट करना होता है ना, तो मुझे अपना ईमेल आईडी और ये सब सब करना पड़ता है, तो वो कन्वर्ट कराना है मुझे, तो देखती हूँ हस्बैंड को कब टाइम है, तो वो कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट नहीं हुआ है, अच्छा सारा उनका सब उड़ जा रहा है।
वो अपने में खोलेंगे ना जिससे ठीक करवाया, उसका आ जाएगा, मेरा नहीं आ रहा है, मेरा बार बार हमको सेव करना पड़ता है। यही मैं इसीलिए 5 मिनट पहले क्लास ज्वाइन किया कि कोई प्रॉब्लम हो तो फिर। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है, प्रोजेक्शन, किसी भी चीज का प्रोजेक्शन। हेलो तो मान लो कि ये प्रोजेक्शन, मान लो कि ये वेक्टर है, ठीक है, अगर मान लो ये एक वेक्टर है, देखो ये नहीं आ रहा, इसको हम रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है, लाइन थोड़ी सी ना गड़बड़ आ रही है, ब्लू कलर से ले लेता हूँ। ये अगर है ए वेक्टर, मान लो ये वेक्टर है ए वेक्टर, और मान लो ये वेक्टर है वी वेक्टर, ठीक है, अगर मैं इस लाइन का प्रोजेक्शन निकालूं, ए का प्रोजेक्शन ऑन बी पे निकालूं, दैट मींस नथिंग बट प्रोजेक्शन इज द शैडो, मतलब मिरर इमेज। मान लो बी एक मिरर है और बोल रहा है कि ए यहाँ से, दोनों यहाँ से ए निकल रहे हैं, तो ए का जो मिरर इमेज है वो कहाँ तक आएगा, तो जस्ट परपेंडिकुलर ले लो, यहाँ ही तक आएगा ना, ये समझ रहे हो? नहीं मैम, मैं 1 सेकंड आता हूँ, एक्चुअली मेरे को वॉशरूम जाना है मैम। हाँ मैम, मैम ये मेरे को समझ में नहीं आया, ये परपेंडिकुलर कैसे बैठेगा? हाँ मैं बता रही, अगर मान लो मेरे कोई एक वेक्टर है ए है और ये बी वेक्टर है, इसके बीच अगर मान लो मेरा थीटा एंगल है, अगर मैं बोलूं कि ए की जो है तुम्हारी शैडो, मतलब ए का जो लेंथ है उसको अगर मैं बी पर ड्रॉ करना चाहूँ तो वो कुछ ऐसे आएगा ना, तो मैं इसको मैम वो कर्व्ड परपेंडिकुलर होके नहीं आएगा, वो पूरा कर्व्ड होके नहीं आएगा? कर्व्ड होके, नहीं हाँ मैम, नहीं नहीं वो नहीं बोलना चाह रही हूँ, शैडो मतलब वो थोड़ा सा अलग हो गया। मैंने मान लो ए लाइन को, ये फ्री वेक्टर अगर हुआ, मैं इस लाइन को अगर मैं यहाँ नीचे रखना चाहूँ तो कहीं ना कहीं इस तरह आएगा ना, ये हाँ तरह ठीक आएगा, है ठीक है ठीक ये है तरह आएगा, तो ये मान ठीक है, लो ये 90 डिग्री है, तो ओके ये वाला लेंथ यहां से यहां वाला लेंथ, इसको मैं क्या बोलूंगी, ये नथिंग बट ए कॉस थीटा होगा, कॉस अगर थीटा लूंगी तो क्या आता है, मान लो ये ओ, ये ए है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये लाइन क्या होगी, ये लाइन ए ही, यही लाइन को मैं बी पर देखना चाह रही हूँ ना, तो ये ए वेक्टर हो गया, यानी बेस ए वेक्टर हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया, सॉरी ओ ए, एक मिनट रुको, एक मिनट, OA की लेंथ मुझे नहीं पता ना, थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकती है, किसी पंडित की भी बद्री प्रसाद हर हर बोले बर बेस बाय बद्री हाइपोटेनस, हर हाँ बेस बेस, बाय बेस मतलब हाइपोटेनियस। OA हो गया, कि OA वेक्टर हो गया और ये मेरा A वेक्टर हो गया, तो OA जो होगा वो नथिंग बट A cos थीटा होगा, A वेक्टर cos थीटा होगा, यस 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 और यस अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो ये भी मैग्नीट्यूड में, और थीटा तो क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड ही होता है, मतलब उसका स्केलर ही है, डायरेक्शन स्केलर ही है, थीटा स्केलर स्केलर ही है। होता है, हाँ तो ये ए कॉस थीटा के बराबर होगा। हाँ तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो होता है, यानी कि मैं प्रोजेक्शन ए वेक्टर को अगर मैं बी पे प्रोजेक्ट करना चाहूँ तो इसकी लेंथ जो होगी वो ए कॉस थीटा के इक्वल होगी,
ओके एक और सीटा ये लेंथ, ओ एक मिनट रुको रुको रुको, वेट वेट वेट, ए कॉस थीटा के इक्वल होगी, ठीक है। तो अब मैं अगर मैं निकालू कि मैं ए कॉस थीटा कैसे लिखूंगी, मान लो मुझे कोई दो वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको मैं क्या लिखती हूँ, इसको मैं लिखती हूँ क्या लिखती हूँ बताओ, इसको मैं ए लिखती ए हूँ ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा। अब यहाँ पे बोला गया है कि लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ए कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। अब अगर मैं ऊपर नीचे बी बी मल्टीप्लाई कर दूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते तो कोई प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं नहीं। तो अगर मैं मॉड बी और मॉड बी से डिवाइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये नथिंग बट हमारा मैम, क्या है, ए डॉट बी है, हाँ तो ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही होता है प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, ए ऑन बी, द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन बी का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर कोई दो वेक्टर दिया हुआ है और उसका बोला जाए कि एक वेक्टर का दूसरे पर प्रोजेक्शन निकालिए, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख देंगे। तो मैम ए कॉस थीटा मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा से निकालना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, हाँ वैसे भी निकाल सकते, यही तो एक ही तो है एक्चुअली में ना, कहीं कहीं पे कॉस थीटा नहीं दिया होगा, दोनों के बीच का एंगल नहीं दिया होगा, तब आप क्या करोगे? मतलब समझ लूंगा 0 डिग्री है। हाँ ये भी कर सकते हो, एक और सीटा भी निकालोगे तो सही है। अब देखो हम क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा, एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन निकालो। एग्जाम्पल नंबर, 1 सेकंड मैम, एग्जाम्पल नंबर 13, नहीं ये एग्जाम्पल तो नंबर एक्चुअली फिफ्टीन, क्या किया गया है, प्रोजेक्शन एग्जाम्पल ये नंबर एक्चुअली 16 मैम, 16 और 17। एग्जाम्पल 16 चलते हैं, ये देखो एग्जाम्पल 16 में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो वेक्टर दिए हुए हैं, अब एंगल कैसे निकालोगे बताओ, तुम कैसे जानोगे कि इसमें 0 डिग्री का एंगल है, जानते हो क्या? सही बात है, सही बात है, सही बात है। अच्छा तो एन नहीं ए डॉट बी निकालोगे और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये मैं बनाऊँ क्या? मैम, अच्छा इसमें ना एक नोटिस करने वाली बात, इसको है ना, एक बार है ना, मेरे को स्केलर प्रोडक्ट है ना, कोई भी दो वेक्टर्स का एक बार स्केलर प्रोडक्ट दिखा देना मैम। हाँ मैं दिखा रही, एक मिनट, ये वाला प्रोजेक्शन में ना जो बच्चों को अक्सर गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं मैं बताती हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ए ऑन बी, इसका फॉर्मूला हमेशा ए ऑन बी है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में बी आएगा, अगर बी ऑन ए होता तो डिनोमिनेटर में ए आता, ये बात क्लियर है? ओके ओके अगर यहाँ पे गलती कर दिया ना तो सारी वैल्यू ही गलत हो जाएगी, ठीक है। अब हम ना, तुमने बोला कि किसी चीज का डॉट प्रोडक्ट बताइए, तो मैंने क्या किया, वेक्टर ए की वैल्यू लिख दी, क्या है, 2i कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये वेक्टर है, यहाँ पे डॉट दे दिया, डॉट दे दिया, और यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे है आई कैप प्लस 2j कैप, जे कैप और कौन सा है प्लस के कैप, यहाँ क्लियर है, डिवाइडेड बाय मैम, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बताया था ना, रूट हाँ मैम, अंडर अंडर रूट ऑफ थीटा हो जाएगा वन 1 प्लस वन फोर स्क्वायर प्लस फोर प्लस प्लस 1, ठीक है। अब देखो 2 i कैप को i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होता है, तो 2 into 1 1, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम टू आई डायरेक्ट लिखते कैप हैं 2 into 1 i कैप, क्यों होगा i कैप, i कैप तो 1 हो गया ना,
ओके ओके आई के साथ जब बाकी सारे 0 हो जाएंगे उसको हम नहीं लिखेंगे। फिर 3 जे कैप के साथ कौन है बोलो? सिक्स टू 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 थ्री टू सा सिक्स और बाकी तो 1 हो गए, और बाकी जो अगर मैं 3 जे को आई से करूं या के से करूं वो तो 0 हो जाएंगे। यहाँ क्लियर है? अब अगर ओके हाँ, अब अगर मैं 2 और ये क्या है ये 1 हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय √6 तो ये क्या आ जाएगी 2 6 6 to 8 6 to 8 8 to 10 √6 5√2/√3 2√6 यूनिट हो जाएगा। तो ये 10√6/6 हो जाएगा ना, विच इज इक्वल टू 10√6/6। टेन रूट सिक्स बाय सिक्स डिनोमिनेटर को अपना रियल करने के लिए 10√6/6। यूनिट यूनिट हो गया। चल तो रहा है मैम, कहाँ चल रहा है मेरा? नहीं चल रहा है। वो रहा डॉट 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 अभी हुआ ना। अच्छा 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 हो गया। नहीं माउस, हाँ क्या है? सिलेक्ट माउस सिलेक्ट हो गया। अच्छा माउस से मैम नहीं लिख पाओगे अच्छे से। अच्छा क्या करूं अभी, मैं पता नहीं इसको कैसे दबा दिया ये फिर से। नहीं पीछे से ढीला हो गया होगा मैम। नहीं पीछे कुछ है ही नहीं, ये कोई बटन ऑफ होगा मेरे समझ में। पता नहीं आपकी क्लास में प्रॉब्लम होता है पता है, और सब किसी की भी क्लास में इतना दिक्कत नहीं होता कभी नहीं, मतलब गलत मोरा से शुरू किया है। चलो इसको ठीक है, प्रोजेक्शन समझ में आ गया। हाँ मैम। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन करें? अब हम आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। ठीक है नहीं नहीं एक सेकंड, एक्सरसाइज कर देते ना मैम पहले, क्रॉस हाँ प्रोडक्ट को एक्सरसाइज के बाद में। 10.3 का देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए बी, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और ए डॉट बी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे बताया था कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है ए डॉट बी वो बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए यस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो हम वही कर लेंगे है ना, तो कोई हाँ मैम। प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मैम, मैम ये होमवर्क में ले लूँ? हाँ ले लो, नेक्स्ट बोलो। एक्सरसाइज 10.3 वन, फिर फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। अच्छा मैग्नीट्यूड दोनों का निकाल सकता हूँ, मेरे पास दोनों के मैं क्रॉस डॉट प्रोडक्ट भी कर सकता हूँ दोनों के दोनों का, और एंगल भी निकाल सकता हूँ। सेकंड वाला भी होमवर्क में ले लूँ? सेकेंड वाला भी, थर्ड वाला भी देखो, प्रोजेक्शन ए ऑन बी, मतलब फर्स्ट वाला वेक्टर को ए ले लो, सेकेंड वाले वेक्टर को बी ले लो, और ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही मैम होगा ये ना? अभी सेव करके मैं ना वो कर दो ना, अभी अभी सेव कर दो ना। मतलब ये अभी सेव हो रहा है, ये डेस्कटॉप बंद नहीं होना चाहिए, ये मैं बोल रही हूँ, ये अच्छा डेस्कटॉप बंद नहीं होना चाहिए। हाँ ये लाइन चली गई थी ना हमारे यहाँ के, पावर कट हो गया था, अच्छा डॉक्यूमेंट सेव हो रहा है, डेस्कटॉप बंद हो जाने से ना मेरा ईमेल आईडी फिर से डालना पड़ता है, तभी हो जाता है। अच्छा अब ये 10 का और क्या थर्ड वाला डिफरेंस? होमवर्क?
फोर्थ वाला भी होमवर्क, फिफ्थ शो वाला दैट शो दैट, सी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर मैम ये ऑल्सो दे वाला आर करके दिखाओ ना, ये वाला करके दिखाओ ना, और मतलब वो पूरा अच्छे से बोर्ड में कैसे लिखूंगा वो करके। बिल्कुल 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 सुन रहा भाई मैं सुन रहा हूँ मान कर दो मान मान कर दो मान मान कर दो देखो मान बेटा आपने क्या कर दिया, तो अमन नहीं होगा। अच्छा फिफ्थ नंबर में आपको ओरली थोड़ा सा डिकेट करूँ। हेलो 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 हाँ हेलो फिफ्थ हेलो, नंबर थोड़ा सा ओरली डिक्टेट करूं आप लिखते जाओ। ठीक है ठीक हाँ फिफ्थ नंबर को ना हम थोड़ा सा मैं आपको लिखने बोलती हूँ आप लिखते जाओ, जहां प्रॉब्लम होगी ना मैं वो वहां आपको बताऊंगी। ठीक है 10.3 ना। मैम। एक वेक्टर लिखो, हमारा ए वेक्टर, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालो। ए वेक्टर जो 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप है वो हाँ उसकी मैग्नीट्यूड निकालो। अच्छा फिफ्थ 1/7 का, जो है वो रूट अंडर के अंदर नहीं आएगा, हाँ वन तो बाय 2/7 3/7 और 6/7 का स्क्वायर का। नहीं। आप उसको डायरेक्ट 1/7 बाहर निकाल सकते हैं। कैसे मैम, सेवन समझा का नहीं स्क्वायर मैम है ने। ना डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 7 का स्क्वायर है ना, डिनोमिनेटर में 7 का स्क्वायर है ना। ओ तो 1/7 बाहर आ जाएगा वो, ऐसे हाँ समझ रहे। एक सेकंड दिखाता हूँ एक सेकंड। 1/7 अंडर रूट ऑफ क्या है, 4 + 9 + 36 विच इज इक्वल टू 1/7 अंडर रूट ऑफ 40 49 दे 1 आ रहा है मैम, अंडर तो रूट ऑफ फोर्टी मैग्नीट्यूड नाइन आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया है कि थ्री वेक्टर जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिट है, मतलब यूनिट वेक्टर है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड यूनिट है। हाँ सही है दिखाओ। वन है बस। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइड में इधर लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मॉड का साइन देके लिखते हैं ना। हाँ हाँ ऐसे बिल्कुल ऐसे ना, यही ना। देखो मैम हाँ, ऐसे ये मैग्नीट्यूड ऑफ ठीक है। हाँ हाँ मैम वो तो डाल दिया। हाँ ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर आ रही है। वैसे बी की मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ। पहले लिखोगे लेट इतना इतना बी गिवन वेक्टर, फिर ए बी सी हाँ की मैग्नीट्यूड निकाल के ओके दिखाओ। हाँ आप क्या ओके बोल रहे तो हैं कि बी मतलब आर म्यूचुअल लेट परपेंडिकुलर। लेट लेट दिस थिंग बी हाँ लेट ये द गिवन वाला, वेक्टर, हाँ ए इज इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना और सी इक्वल टू इतना। ठीक है ये ए, लेट दिस बी ए, दिस भी हाँ बी, बी यस दिस भी यस सी। हाँ सही है। ठीक है एक नाउ बार मुझे लिख के दिखा मैग्नीट्यूड दो। ऑफ ए, ना हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू दिस दिस दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू दिस दिस दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू दिस दिस दिस। मैम ये हाँ स्टॉप शेयर कर दो ना तो मेरा अपना कैमरा आपको अच्छे से दिखेगा, और मुझे दिख रहा है स्टॉप बेटा, शेयर। एक्चुअली मैं बार बार इसको चालू करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर चालू हो जाए तो ये पता नहीं क्या हो गया, मेरे से दब गया इधर। हाँ बोलो 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 अब क्या हुआ, ये समझ में आया आपको यूनिट वेक्टर। यस 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 ये यूनिट वेक्टर आपको समझ में आया। हाँ मैम अब हम हाँ मैम ऑल्सो मतलब दो मैग्नीट्यूड शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसके म्यूचुअली लिए मतलब ए और बी के बीच में थीटा 90 डिग्री आना चाहिए। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 जीरो। जीरो, यानी ए डॉट बी जीरो दिखाना है, तो ए बी ओ म्यूचुअली ए कितनी डॉट बार बी इज होगा, इक्वल टू जीरो, बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो, और सी ए डॉट सी सी इज इक्वल टू जीरो दिखाना है। यस यस यस। आप मुझे एक बार लंबा करके क्वेश्चन है दिखाओ। बहुत,
5 मार्क जितना, 4 मार्क जितना क्वेश्चन है। हाँ एक बार ए डॉट बी करके दिखाओ, एक बार मुझे दिखाओ, मैंने अभी सिखाया ना आपको ए डॉट बी। हाँ, इज हाँ एक बार इक्वल दिखाओ। टू हाँ वन बाय दिखाओ। सेवन टू आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप टू 3 आई कैप 6 जे कैप इक्वल टू 1/7 3 टू 6 माइनस 6 18 अच्छा जीरो आ रहा है मैम। बस हो गया। ए लिख दो, ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दिस शोज दैट ए परपेंडिकुलर टू बी। परपेंडिकुलर कैसे देते हैं ये देखो, एक मिनट इसको देखो, ये ए वेक्टर है और ये परपेंडिकुलर का साइन दे दिया बी। This shows that A dot B shows zero. This shows that A perpendicular to B. यहाँ तक ठीक है? Similarly ओके हाँ मैम, B C कर लोगे, Similarly A C कर हाँ लोगे, तो they हाँ are मैम, all mutually perpendicular. हाँ, next question बोलो, कौन सा doubt है? देख के बताऊँ। नेक्स्ट मैम 6th वाला देख लेते हैं। 6th वाला क्या है? फाइंड ए एंड इफ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 एंड ए इज इक्वल टू 8 बी। ओके देखो, फाइंड ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, जिसमें हमारा पास क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी और डॉट ए माइनस बी जो हुआ वो 8 के इक्वल है, ठीक है? तो आपको और जो एक और कंडीशन दी हुई है कि ए जो है 8 बी, इन दोनों को यूज करके। हेलो, हाँ हाँ मैम, हाँ क्या हुआ? मैम मैम इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, इसको हाँ मैं मल्टीप्लाई कर दोगे, एक बार करो 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 करो, मेरे सामने करो, एक बार करता हूँ, 1 सेकेंड। एक बार मेरे ए सामने करो वेक्टर तो। डॉट ए वेक्टर हो जाएगा माइनस एट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, तो बचेगा मेरा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एक बार आप इसको करो, इससे क्या होगा ना आपको क्लियर होगा। एक बार करो और एक जहां से सेकेंड फंस एक गए हो मुझे सेकेंड बताओ। एक सेकेंड करता हूँ। 6th का मेरे को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8 दिया हुआ है, मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर देखो, प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। तो माइनस बी ए प्लस बी ए कहा गया, तो ए वेक्टर माइनस डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। अभी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज क्या था? एक मिनट, ए डॉट ए को मैं मॉड ए का स्क्वायर लिख सकती हूँ? हाँ, लिख सकती हूँ, कैसे हुआ बताना। क्योंकि थीटा 0 है, थीटा 0 है, तो है ना यस मेरा यस यस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट कॉस 0 है, तो वन है तो विच इज मॉड इक्वल टू ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर का। का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अभी मेरे को पता है कहना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 बी, तो मतलब 8 बी वेक्टर अच्छा का नहीं 8 बी आपकी लाइन वेक्टर में क्या आया, क्या है आपकी लास्ट लाइन, क्या है, क्या लिखा लास्ट लाइन में? एक सेकेंड मैम एक सेकेंड 64 बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो 63 बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63 बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8/63।
यानी कि 2√2 और नीचे 63 को रूट से बाहर निकालो तो कैसे होगा, करो 3 से सबको करके। हाँ थ्री 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 रूट सेवन तो हो जाएगा 2√2/3√7। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, हम बी वेक्टर वो जो रिलेशन है ना मॉड ए और इज इक्वल हाँ टू हाँ एट हाँ मॉड बी, ए उस वेक्टर इज इक्वल टू रिलेशन 8 b वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो मतलब 8 × 2√2/3√7, तो मतलब हो जाएगा 8 × 16√2/3√7। पूरा से हम। गुड बस हो गया, इससे पेज प्रॉब्लम। चला गया। हाँ अब 7 नंबर तो आप बना लोगे, देखो मेरे सामने बनाए। हाँ हाँ सही है, 7 नंबर देखो आपने सामने मेरे बनाए तो वो भी बन जाएगा आपसे, बस इसमें आपको तो उसके खाली प्रोडक्ट वो निकालने लिखना होगा हैं। ना, डॉट प्रोडक्ट डॉट, मतलब यहां तक ऐसा कुछ आए तब तक लिखना होगा ना, ऐसा बस कुछ आए हाँ, इधर इधर तक मतलब इधर वाली चीज जो है ना, हाँ मल्टीप्लाई इधर, करके आपको सिंपल और ये लिख देनी। एट भी हाँ नहीं, खाली इतना 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 इधर तक ऐसा कुछ आ जाए ना तब तक मेरे को करना है। ठीक है। ओके मैम, तो मतलब हाँ सेवेंथ आपको वाला मैंने मैं बताया। होमवर्क ले लूँ ना, 4 के बाद 7 वाला होमवर्क है। फिर 8 वाला क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड द स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। ओके हाँ हाँ देखो सेम हाँ मैग्नीट्यूड तो का है, मैंने मैग्नीट्यूड, मॉड हाँ हाँ अभी कॉस थीटा को डिनोमिनेटर में और उन दोनों को ऊपर लेके जाना है, पर सेम लेकिन एक मैग्नीट्यूड है सेकेंड, और एंगल जो है वो और 60 डिग्री है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये दिया हुआ है, और हैविंग द ए सेम डॉट बी मैग्नीट्यूड। जो है वो 1/2 के बराबर है, हाँ स्केलर हाँ प्रोडक्ट मतलब ये ए वाला भी डॉट कर बी। लूंगा, 8 वाला होमवर्क में ले लू। हाँ इसमें ना आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लो नोट के रूप में कि ए डॉट बी जो है 1/2 के बराबर है, लिख लो साइड में क्योंकि भूल जाओगे नहीं ए नहीं डॉट बी स्केलर करना। प्रोडक्ट इज 1/2 दिया हुआ है ना, स्केलर प्रोडक्ट हाँ मतलब ए पता है ना। वेक्टर डॉट बी बी वेक्टर, हाँ, वो तो दिख रहा है मैम, वो तो पहले पहले ही दिख हाँ रहा मैंने था। बस पी भी लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो गए, पोजीशन वेक्टर का भी है पी भी क्या है, इसलिए मैं बोल रही हूँ लिख नहीं लो नहीं सर। पीवी पीवी एक्चुअली मैम मैं भूल गया कहना क्या था इसीलिए मैम। अब फाइंड बताओ एक्स वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड इफ द वेक्टर इफ फॉर यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस ए। ओके ओके तो बना लोगे, बनाओगे मेरे सामने ट्राई बनाओ कर सकता हूँ मैम, अपने हाथ ट्राई से। कर सकता हूँ। देखो मैं बताती हूँ, अगर आप अपने हाथ से बनाते हो ना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, आता मैं है हाँ मैम, बनाती। हाँ एक बार आप 9 नंबर मेरे सामने ट्राई करो अभी फटाफट। अभी बनाओ मैम, अभी बनाओ, हाँ हाँ अभी बनाओ। देखो अभी यहाँ बनाता पे हूँ। क्या दिया हुआ है कि इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है लिख दो, गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1। हाँ अब इन दोनों का गिवन प्रोडक्ट मैग, करो। हाँ तो अभी क्या होगा कि एक्स एक्स तो इसका मेरा क्या है, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख लो एक्स बार माइनस डॉट ए वेक्टर डॉट एक्स एक्स प्लस ए वेक्टर वेक्टर प्लस इक्वल ए टू 12 वेक्टर इज इक्वल टू 12, तो मतलब एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, का मॉड एक्स का स्क्वायर है हाँ ना, मॉड एक्स का स्क्वायर, हाँ हाँ फिर आ तो प्लस जाएगा माइनस, नहीं, प्लस एक्स वेक्टर एक्स डॉट ए डॉट। वेक्टर हाँ प्लस ए हाँ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस माइनस सॉरी माइनस ए वेक्टर डॉट ए का वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड का 12। स्क्वायर। हाँ हाँ तो एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर कट कट, तो अभी मेरे पास बचा क्या, मॉड एक्स वेक्टर स्क्वायर माइनस मॉड ए वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू 12। अब इज इक्वल टू 12, और मेरे को मॉड एक्स निकालना का क्या है, स्क्वायर क्या है, 1 के बराबर है। हाँ हाँ बस मॉड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो मॉड ऑफ एक्स वेक्टर स्क्वायर निकल गया। एक्स नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू √11। हाँ बस आ गया, क्या प्रॉब्लम था बताओ, हाँ इजी 10 नंबर था, बोलो फटाफट बोलो जल्दी से, बस देखकर खाते जाते 10 नंबर। सच दैट मैम। 10th वाला कल आपके साथ करूं क्या, 10th और 11th, हाँ ठीक है कल कर लेते हैं। 10th और 11th में लिख देता हूँ कि कल टुमारो मैम के साथ करने हैं, 10, 11 कल कल तो आपकी क्लास नहीं है ना बच्चे, मंडे कल को। सॉरी 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 मंडे को, मंडे को, मंडे को मैम, मंडे को 12th इफ मुझे ए लगता है ना डॉट कि ए मंडे को हमारा वेक्टर खत्म हो जाएगा, दो क्लास रहेगी ना, मंडे, बहुत इनफ हाँ है मैम सफिशियंट टाइम है। मंडे नहीं तो फिर ट्यूसडे फर्स्ट क्लास तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी वो स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना है और है ना थ्योरी पढ़नी है ना थोड़ी,
और वो करने हैं सम्स करने हैं थोड़े, ठीक वो हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, बस आप इस तरह स्पीड है पढ़ मैम? लो। हाँ मैम, हाँ मैम, एक मिनट कोई आया डोर पे, एक मिनट, 2 मिनट का काम, तब हाँ मैम, ट्राई करो, तब तक क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ बोलो बोलो फटाफट बोलो, क्या प्रॉब्लम है? हेलो, हाँ मैम, हाँ हाँ मैम, बोलो। हाँ मैम, मैम वो अपना लास्ट क्लास में अपनी सारी प्रॉपर्टीज लिखी थी ना, वो मेरे को एक्चुअली है ना चाहिए होगी, मैंने आपने जो आपके लिए लिखा हुआ था। प्रॉपर नोट्स बनाई है, मैंने आपके लिए प्रॉपर नोट्स बनाई है, आपको मैं अभी अच्छा सेंड कर मैम, दूंगी। आपने आपने वो क्या कहते हैं, ए डॉट बी अगर 0 है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 है तो परपेंडिकुलर हुए, वो फर्स्ट लिखा था। उसके बाद सेकेंड वाला क्या लिखा था वो मेरे को नहीं पता मैम। सेकेंड वाला तो ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 इफ ए एंड बी आर, इफ वन ऑफ ए एंड बी आर 0। कौन सा बोल रहे हो, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? मैम मैं 12th वाला बोल रहा हूँ, क्वेश्चन तो 12th वाला बोल रहा हूँ। हाँ, इसमें देखो क्या है, आपको क्या बी वेक्टर के बारे में क्या कंक्लूजन निकलना है? ठीक मैम है, ए वेक्टर के बारे में मैं बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। हाँ पहले वाले जो ए डॉट ए, ए डॉट ए इज इक्वल टू 0, वहां से मैं निकाल सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 0। फिर हाँ, अभी 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 वो उसको है ना 1 मार्क कर दूंगा, अभी फिर लिखूंगा ए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, मतलब ए वेक्टर मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और अभी पहले फ्रॉम वाले इक्वेशन वन, कंक्लूजन फ्रॉम में, हाँ पहले वाले कंक्लूजन में लिखना इक्वेशन है वन कि, हाँ मैग्नीट्यूड पहले ऑफ वाले ए इज कंक्लूजन। इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 0, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस थिंग इन इक्वेशन दिस दिस दिस, तो मेरा 0 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट कॉस थीटा, हाँ व्हिच इज इक्वल टू 0। नहीं, नाउ वी, हाँ बोलो बोलो बोलो। अभी मेरे को है ना इसमें समझ नहीं आ रहा कि बी ए या बी में से कोई एक 0 होगा तो क्या क्या कंडीशन थी वो मेरे को याद नहीं आ रही मैम। अभी मैं बताती हूँ, वो कंडीशन नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा पेन हाँ चलेगा मैम, भाई, इसमें ना गुस्सा मान लिया। हमारा फर्स्ट कंक्लूजन से क्या निकला था? फर्स्ट कंक्लूजन से निकला था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो है वो इक्वल टू 0 है। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन से हमारा ये निकला था। अब हमारे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है कि ए डॉट बी जो है, ये मैम डॉट शेयर स्क्रीन बंद है, शेयर स्क्रीन बंद है। तेरा स्क्रीन बंद है। ओके ओके, रुको रुको रुको, एक मिनट एक मिनट, फटाफट करते हैं। यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, पहला कंक्लूजन हमारा ये था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो था वो हमारा 0 निकला था ना पहला कंक्लूजन में। हाँ, हाँ अब दूसरा जो हमारा है वो ए डॉट बी जो है वो 0 के बराबर है। इससे क्या निकल रहा है? इससे निकल रहा है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा जो है वो 0 होगा। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो कॉ ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो हमारा पहले ही 0 था, पहले ही 0 था। तो अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को 0 करना चाहूं तो क्या ए की कंडीशन सफिशियंट नहीं है इनको इनको 0 करने के लिए? सफिशियंट हाँ सफिशिएंट है, है। तो बी जो है वो कोई भी वेक्टर हो सकता है, मैं 3 भी ले सकती हूँ, 0 भी ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ। बी जो है हमारा 0 कंडीशन फुलफिल करने के लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो तो ए वेक्टर हमारा फर्स्ट कंक्लूजन से ही काफी है इस कंडीशन को 0 करने के लिए। तो मैं लिखूंगा क्या समझा? बी वेक्टर के बारे में, लिखूंगा बी क्या कि नहीं बी रखो, वेक्टर,
एन हाँ, एक्टर, कंक्लूजन क्या बी निकला? इज अ नॉन जीरो वेक्टर के बी इज अ जीरो वेक्टर, नहीं, बी इज एनी वेक्टर लिखोगे आप, क्यों लिखोगे? क्योंकि बी इज एनी वेक्टर दैट इज यस, बी कैन एनी बी वेक्टर, इधर अ नॉन जीरो वेक्टर और इट कैन बी अ जीरो वेक्टर एट यस, एज फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन सी दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑलरेडी जीरो बिकॉज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. तो बी की कंडीशन के लिए हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन को जीरो करने के लिए तो ए का जो मेरा फर्स्ट कंक्लूजन से आया था, ए तो बता दिया भाई ओके कि मतलब आपके पास ए जीरो है। स्टेटमेंट लिखना है ना, स्टेटमेंट लिखना है कि है हाँ ना ए वेक्टर जीरो है इस हाँ वजह से बी वेक्टर नॉन जीरो भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है. बी कैन बी एनी वेक्टर. बी कैन से दैट बी कैन बी एनी वेक्टर। अब एनी वेक्टर में आपका जो मन करे वो ले लो, क्योंकि हमारा जो कंडीशन जीरो है वो फुलफिल करने के लिए ए ही काफी है, उसके लिए बी की जरूरत ही नहीं है हमें। तो बी का क्या ठीक कंक्लूजन है है? मैम, बी इज एनी वेक्टर, नॉन जीरो जीरो मत कहो, बी लिख दो कि वो इट कैन से दैट बी कैन से दैट बी इज एनी वेक्टर। यहाँ कंक्लूजन ठीक है, यहाँ क्लियर है? ठीक है मैम, ठीक है मैम. बाबा और बताओ। मैम क्लास का टाइम हो गया ना. हाँ, टाइम हो गया, चलो ठीक है, तो ठीक है हम मैम. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसकी मैं हाँ पक्का मैम, सेव करूंगी, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं, उसमें ज्यादा लिखा था, तो ठीक है अभी उसमें मैं बहुत नोट अच्छे से करूँ। लिखा था मैम. हाँ ये है ना, पेन को भी बीमारी अभी लगी थी, मतलब पता नहीं कुछ तो दबा है मेरे से, और ठीक हो जाएगा शायद, अभी तो मुझे चेक भी करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में। तो आपको मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, अगर उसमें एंगल जीरो होता है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी जो होगा वो मैग्नीट्यूड होके मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर होगा। अगर तुम्हारा थीटा एंगल जो है परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी जीरो के बराबर होगा, और अगर मैं थीटा जो है 180 के बराबर है तो क्या होगा बोलो? माइनस 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 ए बी. माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ तक हम क्लियर रखेंगे, और हाँ मैम, आगे जो है इसके सवाल कुछ भी एग्जाम्पल्स के भी देखो, कभी कभी एग्जाम्पल के भी आ जाते हैं, तो हाँ इसको मैम, आप डॉट प्रोडक्ट के भी जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको ट्राई करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डॉट प्रोडक्ट और प्रोजेक्शन तक में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। आज प्रॉब्लम ये अभी वीकेंड का तो होमवर्क ये है ना, कि ना अपना प्रीवियस ईयर ऑफ प्रोबेबिलिटी करने हैं. और वेक्टर के भी क्वेश्चन कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट तक, मैं डॉट प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी के कर सकता हूँ मैम, मैं दोनों चीज के नहीं कर सकता. मैं प्रोबेबिलिटी के, मैं पक्का बता तो प्रोबेबिलिटी के हो सकते हैं मैम. क्वेश्चन ही नहीं आते थे प्रीवियस ईयर में। ठीक है अच्छा चलो, है ठीक ना, है मैम, ठीक ठीक है, है नहीं मैम, क्वेश्चन करो, थैंक यू क्वेश्चन मैम, करो, ठीक है, ओके, ठीक है मैम, थैंक यू मैम. बाय।